चार मेज बाहर डालने से फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको ब्रिम को ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई हुई है तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या उनका केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर सर। मैं बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, शी इज आर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके, लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से दो काम होने बताए थे। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इश्यू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में, अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली इंडिया से मशीनरी आना, ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। आई एग्री, बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मेपको वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इतिहाद पार्क बनाया रहीगा खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम होने थे, पहला तो मैंने कहा मैं भी लग जाता हूँ। इतिहाद पार्क क्या है, कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा, एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मिशन बनाने में बड़ा बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी, और फिर रात को सर चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहां डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना, उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अपना टर्की जाऊंगे मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर, वो बड़े नियर सर थे, गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक, बाकी सर ध्यान बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जवेद।